कि हमारे देश में एक महात्मा गांधी और एक जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, दुर्भाग्य हमारे देश का। दुर्भाग्य क्यों है? दुर्भाग्य इसलिए है कि उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश का या देश की पब्लिक का भला हो सकता था। क्या काम किया बताओ मुझे? ये 370 जबरदस्ती ला दी गई जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ कितने कश्मीरी पंडित मार दिए गए, कितनों को भगा दिया गया, और वहाँ ये जो अलगाववाद आतंकवाद जो पनप रहा था वो आज इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म करके क्या बुरा कर दिया? और इन्हें ये शर्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ का सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सही है वो गवर्नमेंट के फेवर में आया ना? क्यों आया? कि ये सही है, कि सुप्रीम पावर जब ये कह रही है कि ये सही है तो इनके आंखें अंधी हो गई है, पागल हो गए हैं कांग्रेसी के जो उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए इस केस को। क्यों अब ये 351 करोड़ रुपए, यानी एक आदमी खतरनाक सामने खड़ा है कि ये पकड़ेगा और मारेगा, ये फिर भी नहीं डर रहे? जिस स्टेट में गवर्नमेंट इनकी बनती है उसी स्टेट में घपला कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं पीछे की तरह। अरे अब तो बदल जाओ, जब सामने शेर खड़ा है कि छापा मारेगा तो अब तो बदलो। जिस स्टेट में चले जाते हैं वही डकैती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ओवैसी नाराज नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं निराशा हाथ लगी हमें, फिर से दरवाजा खटखटाएंगे। कोई भी नाराज हो, कोई भी नाराज हो और वो कहीं का दरवाजा खटखटा लो, फैसला यही आना है जो आज आया है। फैसला यही आना है जो आज आया है, ये बदल नहीं सकता। वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 370 को लेकर कि सही नहीं है, क्या कमी रही थी क्या कुछ? लोग विरोध कर रहे थे फिर भी 370 हट गई तो भी विरोध कर रहे थे। वो ये विरोध कर रहे थे कि जो माल खा रहे थे ना वहाँ, जो केंद्र से पैसा जाता था उसे चट कर गए, जो पाकिस्तान से आतंकवाद का पैसा आता था उसे चट कर गए, वो खाने को नहीं मिल रहा। अब वो खाने को जो मिलता था, जो मलाई मिल रही थी, वो मलाई खत्म हो गई, और ये मलाई खत्म कर रहा है सबकी और कर क्या रहा है। लेकिन कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि 370 हटने से जनता का क्या फायदा हुआ? नहीं, जनता का नुकसान क्या हुआ है कांग्रेसी ये बताए ना भाई, कांग्रेसी ये बताए कि जनता का नुकसान क्या हुआ है, वो फायदा क्यों पूछ रहे हैं, वो नुकसान बताए जनता का। अरे कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, डराया मारा जा रहा है, कोई जाके देखो कश्मीर में जो पहले पत्थरबाजी होती थी, जो पहले आए दिन लोग मरते थे, आज कोई मर रहा है क्या? पत्थरबाजी हो रही है क्या? मुझे बताए, वहाँ जो मोमडन रह रहे हैं वो दुखी हैं क्या, परेशान है क्या, बताओ मुझे? वहाँ का तो पता नहीं, लेकिन एक आदमी तो निकल के आएगा, मैं परेशान हूँ, मुझे दुखी किया जा रहा है, एक आदमी तो निकल के आना चाहिए। वहाँ कोई भी नहीं है, सब अमन चैन से मौज आ रही है, खुश हैं लोग, खुश हैं। हाँ, मैं खुद जम्मू कश्मीर जाता हूँ, जाते रहते हैं, सबके सब खुश हैं। क्या बदलाव देखा है जब से 370 हट? देखो मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा बदलाव तो वहाँ की जो पत्थरबाजी थी, वहाँ जो आतंकवाद पनप रहा था, वहाँ जो लोग परेशान थे, जिन छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में कलम पेंसिल किताब और कंप्यूटर होने चाहिए थे उनके हाथों में हथियार पकड़ाए जा रहे थे, वहाँ उनके हाथों में जो हथियार पकड़ाए जा रहे थे, ये अच्छा था क्या बताओ मुझे? बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज हथियार है किसी के हाथ में बताओ मुझे? वहाँ का एक आदमी निकल के आया, या ये जो अलगाववादी हैं, ये महबूबा मुफ्ती है, और वो आके दिखाओ तो सही कि किसके हाथ में हथियार है आज, वहाँ कौन पत्थरबाजी कर रहा है? अमन चैन है, खूब मौज ले रहे हैं लोग, खुश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खुश है, और यही फैसला आएगा आगे से भी, ये कहीं भी चले जाओ। और ये तो इन्हें भी पता था, ये तो इन्हें भी पता था, इनका जो वो है कांग्रेसियों का जो वकील है, क्या नाम है, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल को तो 4 दिन से पता था कि फैसला क्या आना है। ये 5 तारीख को जो फैसला ले करके रख लिया था कोर्ट ने लिख करके, तभी पता था कपिल सिब्बल को क्या फैसला आना है। कपिल सिब्बल को सब कुछ पता था कि फैसला क्या आएगा, और वही आया है, फिर भी विरोध करते रहते। एक अच्छा फैसला है, बढ़िया फैसला है देश के लिए और पूरी आवाम के लिए, सभी धर्मों के लिए, मैं कह रहा हूँ। क्या नाम होंगे चाचा आपका, नाम क्या है आप? मेरा नाम बन्नी, बन्नी। अच्छा, 370 के बारे में पता है आप? हमें भैया कुछ, हमें ठेला खींचते हैं, कमाना और खाना हमें कुछ नहीं, कमाना खाना ध्यान रखते हैं।
नाम है भाई आपका? मेरा नाम सलमान है भाई। सलमान जी क्या कह रहे थे आप बताइए, 370 को लेकर क्या सोच? हम 370 की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात कर रहे भाई। महंगाई की बात कर रहे हैं। राजस्थान में इन्होंने 450 का सिलेंडर कर दिया है, वहाँ चुनाव थे इसलिए। किसने? है मोदी जी ने। राजस्थान में? जी राजस्थान में तो अब सरकार बनी है। फिर 450 की मैं घोषणा करती, यहाँ 450 कब करेंगे? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। अभी जो मेरा मुद्दा था वो कश्मीर में जो धारा 370 को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर आप क्या सोच? सही है, वो 370 हटाई, वहाँ से सही कराओ, वहाँ लड़ाई झगड़े बंद हो गए। अब वो बात नहीं। सलमान भाई आप समझते हैं कि वाकई में 370 का जो हटाने का फैसला केंद्र सरकार का था वाकई में बढ़िया था? बढ़िया था। वह हमारा मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार माल, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही किसी। लेकिन जब मैं मुस्लिमों से बात करता हूँ तो वो तो यही कहते हैं कि 370 कश्मीर में हटा दिया और यहाँ का मुसलमान परेशान है। तो ऐसा क्या होता है कि कश्मीर में 370 हटा, मुस्लिम यहाँ का परेशान है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। ये खुद मुसलमान है, इनसे ये पूछिए ये परेशान है क्या? ये खुद मुसलमान परेशान हो क्या? हम महंगाई से परेशान है, और किसी 370 से तो हमारा कोई मैटर नहीं। 370 का हमारा कोई मैटर नहीं। 370 क्या अंकल जी, आप क्या कहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में 370 हटी और मुसलमान यहाँ का परेशान है? कौन है वो लोग जो ये बात फैलाते हैं? अरे बाबू जी मैं तो आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण दे रहा हूँ, ये खुद मुसलमान खड़े हैं। इनसे पूछिए ये 370 से परेशान है क्या हटने से? तो ये कैसे मान लिया जाए कि लोग परेशान है जो सामने खड़े हैं? मुसलमान है। मुसलमान भाई खुश है 370? बिल्कुल खुश है। हमें रोजगारी का मुद्दा है बस। रोजगारी का मुद्दा परेशान बाबू जी सिर्फ वही है जिनकी मलाई खत्म हो गई। जो मलाई खा रहे थे वो मलाई खाने को नहीं मिल रही अब, वो परेशान है। और कोई परेशान नहीं है, मलाई खाने को मिलती रहती तो वो भी परेशान नहीं रहते, लेकिन मलाई खत्म हो गई। जिस पैसे को डकार रहे थे, केंद्र से पैसा जाए उसे डकार गए, उधर पाकिस्तान से आतंकवाद का पैसा था उसे डकार गए, जो वहाँ की जो क्या नाम है राजस्व था उसे डकार जाते थे। अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कि फिर से दरवाजा खटखटाएंगे। अब्दुल्ला कहीं चला जाए, फैसला यही आना है। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के देंगे खुले पर्चे में। क्या लिख के देंगे खुले पर्चे? मोदी जी को लाना 2024 में। हाँ कैसी मेहनत करनी पड़ी हो। क्यों लाना है ये बताइए। अभी बात 370 की चल रही थी, तो क्या 370 जो कश्मीर से हटी वो निर्णय सही था क्या? बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक था जी। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे थे, वो हमें नहीं पता क्यों पूछ रहे थे ना। इतना हम न्यूज वाले थे बेटे, जिन्हें मलाई मिल रही थी वो मलाई बंद हो गई, लेकिन हमें योगी जी को लाना है बस। वो मलाई खानी बंद हो गई, मलाई मिलनी बंद हो गई, तो परेशान है वो। और कोई कारण नहीं है, बस सिर्फ एक कारण है कि उनको मलाई नहीं मिल रही। अब जो मलाई मिल रही थी वो मलाई बंद हो गई। उनको फटा हुआ दूध मिल रहा है। अब उनको फटा हुआ दूध मिल रहा है। फटा हुआ दूध मिल रहा है इनको। जो मिलाई खाने के लिए जा रहे थे पहले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कयूम। कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले हैं। जो सरकारें चल रही हैं कैसा काम करती हैं, क्या सही है, बढ़िया है, क्या है? वो तो आपको भी मालूम है। वो तो आपको मालूम है, हमसे क्या पूछो। सब मालूम है आपको भी। सब मालूम है। सब मालूम है। नहीं, आपको क्या लगता है जो सरकार के निर्णय होते हैं कश्मीर में 370 की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो कहती है कि सही फैसला है, सही निर्णय था कि कश्मीर से 370 हटाया गया। भाई इन्हीं का फैसला, इन्हीं को अच्छा लगा और किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं हमको नहीं। तैमूर तोमर। कहाँ के रहने वाले? पावी से। अच्छा ये बताइए 370 के बारे में पता है आपको? हाँ जी पता है। क्या पता है उसके बारे में? 370 जो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी, उसके बारे में पता है? क्या पता है, वो जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो क्या सही है, सही मानते हैं उसको? हाँ जी सही है। 370 का जो आया है अभी वो बिल्कुल सही आया है, उससे आवाम के लिए भी और देश के लिए भी सही है वो। लेकिन कुछ लोग बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे, कह रहे थे कि 370 फिर से कश्मीर में लागू की जाए, ये फैसला गलत है कि हटा दिया गया। नहीं जो 370 जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हटाई है वो सही हटाई है। अब केंद्र सरकार ने हटाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि सही निर्णय था केंद्र सरकार का। हाँ जी केंद्र सरकार का भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हटाई है वो सही हटाई है। सही हटाई क्योंकि देश में सब अब सब ये है कि जब जम्मू कश्मीर या कश्मीर में जो आ रहे थे वहाँ पे ज़्यादा आतंकवाद बरप रहा था, वो अब इससे हट गया है, अब अमन चैन है और वो सब पब्लिक एक साथ रह रही है। लेकिन कुछ यूपी के हों दिल्ली के हों मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है ये 370 हटने से, यहाँ के मुसलमानों को परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम क्यों परेशान होगा, कोई भी परेशान नहीं है, सब खुश है।
और परेशान क्यों होगा। 370 से यूपी का या हरियाणा का या और कहीं का मुसलमान हो या कोई अदर धर्म का हो, वो क्यों परेशान होएगा? कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन जो नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, जो बात करते हैं, वो तो यही कहते हैं कि जनता को परेशान कर रखा है इस 370 ने। अरे कांग्रेस के नेता हो या कोई अदर पार्टी के नेता हो, उससे क्या मतलब है? जो आवाम पब्लिक है वो खुश है वहाँ की, क्योंकि पहले जो अलगा जो आतंकवाद था वो ज़्यादा चरम पर आ गया था, बच्चा बच्चा परेशान था। अब वहाँ शिक्षित लोग हैं, लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लोग वहाँ की जो जनता है वो अब जमीन वमीन जो ये तीन चार जो पॉइंट है जो 370 मायने रखती है उसके ऊपर जो अब पूरा काम चल रहा है। राजेंद्र तोमर एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? बागपत। बागपत के रहने वाले। सर 370 के बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर से जो 370 हटाई गई 2019 में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया, जो फैसला सुनाया है वो सही सुनाया, वो सही सुनाया। लेकिन कुछ लोग बार बार यही कहते रहते हैं कि गलत हुआ, 370 तो रहनी चाहिए थी कश्मीर में। नहीं नहीं, ठीक हटाई वो, ठीक है। हाँ, लोग अभी भी हैं कि सोचते हैं कि कश्मीर में फिर से 370 लागू हो जाए, 35A लागू हो जाए, तो क्या कहेंगे उन लोगों? नहीं लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? उच्च न्यायपालिका आयो तो चीफ जस्टिस का फैसला है तो। लेकिन ओवैसी अभी भी उस फैसले से निराश हैं, वो कह रहे हैं सही फैसला नहीं दिया है। अब कहाँ जाएंगे इससे सुप्रीम कोर्ट के अलावा।